सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबका नया साल बहुत ही अच्छा जाए, जो जो मन में उन्होंने सोचा है सपना, जो सपना सजाया है वो पूरा हो। एंड मैं खुद के लिए भी यही भगवान को बोलती हूँ कि भगवान बस आशीर्वाद देना, जो कुछ कुछ एक दो छोटे मोटे सपने देखे हैं उसको हम पूरा कर पाएँ। एंड अभी सुबह सुबह का टाइम है, मतलब मैं उठ गई थी, एक डेढ़ घंटा हो गया, 8 बजे करीब उठी थी, तो खाना वाना बना लिया है। मुन्नादी लोग वहाँ से निकल रहे आएंगे यहाँ पे, मैं अदबी को फटाफट उठाती हूँ, फिर उसको नहला के हम लोग सब रेडी होते हैं, क्योंकि आज है हमारा पिकनिक, ड्राई पिकनिक है। घर पे सब कुछ बना के लेके जा रहे हैं, क्योंकि ना बहुत कम लोग जा रहे हैं वहाँ जाके, इतना तामझाम नहीं कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट वहीं पे बनाएंगे, बाकी हम लोग जो मेन खाना है, लंच है, वो हम लोग ने बना प्रोसेस में बन रहा है, तो वो पैक करके हम लोग निकलेंगे। सो चलिए आपको भी आज लेके चलती हूँ। कल कुछ खास नहीं किया, कल हम लोग बस चिल करें, क्योंकि ना मेरा जो माइंड है अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ गुवाहाटी से, बहुत सारे शिफ्टिंग के काम चल रहे थे, घर बिखरा पड़ा है, एंड मन भी थोड़ा इतना कुछ ठीक नहीं है कि कैसा होगा क्या होगा, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज एंड नर्वस हूँ, तो उसी कारण से ज़्यादा तामझाम नहीं किया, सिंपल से रहा। लेकिन हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम लोग ने बहुत सारी बातें की, एंड 1-1.5 बजे के करीब तो हम सो भी गए थे, तो अभी उठ के सुबह का काम सब हो रहा है, चल रहा है। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ, आज पहला दिन, साल का पहला दिन आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं रेडी हूँ। मेरा एक्चुअली मिरर का साइड बहुत उल्टा पड़ता है, उस पर इसका अंधा दिखता है, तो जो कंफर्टेबल है सिंपल से घर में पहने, आप ट्राउजर पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, बस कैप ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पिकनिक पार्टी जिंदाबाद रेडी है ना। हैप्पी न्यू ईयर। हाय जो यूट्यूब फ्रेंड। नहीं, इसका हेयर स्टाइल कुछ मजा नहीं लग रहा तुमको? मलिंगा बच्चा का हालत देखो ना, अब दाढ़ी का हाल देख सकते हैं। ऐसा लगे रात भर पार्टी करके नदी किनारे बैठ गया है, अंदर तो यहाँ से होता है हमारा सफर शुरू पिकनिक का। हम सब गाड़ी पे बैठ गए थे, एंड अद्विक ने अपना सीट यहाँ पे चूज कर लिया है। कायरा को भी नींद आई थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठा के उसको रेडी करा के लेके आई थी प्रीति। मैं और मुन्ना दी धूप सेक रहे थे, जो खिड़की से आई थी, सुबह का धूप अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे ऐसा गाना बचपन ने मुझे बोला, माँ दे तो बोल के, कि रिएक्शन मेरा ऐसा हो गया था कि उसका फेवरेट गाना बज गया था एक्चुअली गाड़ी में। एंड देखते देखते हम पिकनिक स्पॉट भी पहुँच गए। ये हमारा ड्राइव पिकनिक था, एक गाड़ी एंड एक बाइक लेके आए थे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर नहीं आए। हम आए हैं दीपोरविल, एंड इतने साल से मैं गुवाहाटी में हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ कि ये दीपोरविल में ऐसे पिकनिक का जगह भी है। मैंने बिल के साइड से तो बहुत बार गई हूँ, लेकिन पिकनिक के लिए कभी भी नहीं आई थी। तो आने के बाद वही सब लोग सामान निकाल रहे थे, मैं एंड तपन मैट जो भी है नीचे लगाने का काम वो सब कर रहे थे। सब लोग सामान एक एक करके लेके आ रहे थे, जैसे हर पिकनिक में होता है वैसे ही। तो यहाँ पे ना बहुत कुछ थी, मतलब पिकनिक स्पॉट में पुचका वाला, आइसक्रीम वाला खेल, मतलब बच्चों के टॉयस, बैलून, ये सारे बिक्री हो रहे थे, तो एक को तो आपने देख ही लिया होगा। एंड आने के बाद, क्योंकि हम लोग थोड़े लेट भी थे, तो आते ही फटाफट चाय बिठाया, दूध चाय बनाई थी मैंने। एंड ये जो सिलेंडर है ना, ये मुन्ना दी का है, एंड कुछ भी फंक्शन होते हैं फैमिली में इधर उधर, ये सिलेंडर हम लोग को बहुत हेल्प करता है। एंड मैंने चाय के साथ खाने के लिए वो रेडी किया था, केक, प्लम केक था, बहुत ही टेस्टी था, तो अब वहाँ पे देख रहे हैं कि उसको कब मिलेगा। एंड जहाँ पे मैं बैठ के चाय बना रही थी, उससे सामने का व्यू इस तरीके से था। चाय बन गई है, क्योंकि ये पैन जो है ना चाय जिसमें मैंने बनाई थी, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था, तो इसलिए चाय थोड़ा गिर गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हम लोग ने चाय से चीयर्स किया सुबह, एंड सब लोग फर्स्ट बातचीत करके सब लोग एक साथ बैठ के चाय वाय पी रहे थे, एंड बहुत टेस्टी हुई थी चाय, सबने चाय की तारीफ भी की। एंड यहाँ पे मुन्नादी सुनू का ड्रेस चेंज कराया थी, तो वो अपना बॉडी दिखाया था, कल्पना लुक माई बॉडी बोल के। इतने में ही करण आ गया, बच्चों के लिए कॉटन कैंडी लेके आया। वो बहुत खर्च करता है, वो अनवांटेड खर्च करता है, उसको कुछ भी दिखता है बच्चों के लिए वो खरीद के लेके आता है, लेकिन ये उसकी अच्छाई भी है। लेकिन हम लोग सब उसको बहुत डांटते हैं कि इतना पैसा खर्च मत करो। एंड चाय वाय पीने के बाद अद्दू, तपन एंड सुनू खेल रहे थे। अद्विक बहुत बदमाश है, वो ऐसा बदमाश बच्चा है कि सिर्फ बैटिंग करेगा और दूसरे को दौड़ाते रहेगा, वो बैट किसी को पकड़ने नहीं देता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम कोई उसके साथ खेलते भी नहीं है। तो थोड़ी देर खेलने के बाद फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद फिर वो अपना अलग अलग रास्ता चले गए। यहाँ पे मुन्ना दी कायरा का चश्मा पहन के दिखा रही थी कि देखो कैसा लग रहा है। तो मैं
वही है, अभी कायरा का डांस मैं आपको दिखाती हूँ। कायरा यहाँ पे डांस कर रही है। ये ना बच्ची उस दिन को जन्म हुई थी, अभी खड़ी होकर राशना का गाना शुरू किया और इतना एक्साइटेड है ना, गाना सुनते ही उसका बॉडी हिलने लग जाता है, नींद में भी थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाता है। तो वैसे ही था, पिकनिक स्टार्ट हो गया था एंड अपने देख लिया हुआ कि साइड में मैगी निकाल के रखा हुआ है। तो ब्रेकफास्ट में इस बार हम लोग ब्रेड बटर अंडा नहीं खाएंगे, हम लोग मैगी एंड अंडा खाएंगे, क्योंकि वो इतना सिग्नेचर ना खा खा के थक गए हैं। तो अभी हम लोग इसमें ब्रेकफास्ट के रेडी करते हैं। एंड देखो गाय गैया भी आ गई थी सामने में, इतना क्यूट लगा था ना गाय एंड उसका जो छोटा बच्चा था वो यहीं पे है, आप लोग देख रहे हो क्या कर रहे हैं। तो बात करते करते मैगी सब बाकी ने कट वट करके दिया, प्याज व्याज टमाटर प्रीति ने करके दिया था शायद, और मैं यहाँ पे मैगी बना रही थी, मतलब मैगी मैंने बिठा दिया था। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने कल रात को जो न्यू ईयर में चिकन बनाया था थोड़ा सा रह गया था, जो ड्राई चिकन था, तो उसको मैंने ऐसा सलाद टाइप का बनाई थी, मतलब उसमें नमक मिर्चा धनिया नींबू ऐसा डाल के ऊपर से। तो मुन्ना दी यहाँ पे मैगी में धनिया डाल के दे रही है क्योंकि मैं वहाँ पे बिजी थी। एंड उसके बाद गरम गरम मैगी सर्व हो रही थी, इतना अच्छा लगा था ना आगे लेक का व्यू एंड मैगी गरम गरम खाने में मज़ा। मतलब मुझे तो लगता है पिकनिक का ब्रेकफास्ट ब्रेड से शिफ्ट होकर मैगी में आ जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर्स में तो ऑब्वियसली मैगी अच्छा ही लगता है एंड बनाने के लिए भी ईजी है, बॉयल मैगी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सब लोग अगेन बैठ के कोक वोक चाय वाय जिसको जो जो खाना था कि मैगी वैगी अंडा वंडा खा रहे थे एंड बहुत हंस रहे थे, मतलब एक कुछ ना कुछ ऐसा बात निकाल रहा था कि हंसी रहते हैं, मतलब सारा दिन ही हंसे। तो मैगी वैगी खाने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, यहाँ पे हम लोग फोटो खींच रहे थे एंड मुन्ना दी को पता नहीं था कि वीडियो हो रहा है तो फिर यहाँ पे इन लोग का भी फोटो खींच रही थी। तीनों अद्विक जीजू के साथ बहुत घुल मिलता है, बहुत बदमाशी करते हैं। यहाँ मैं मुन्ना दी लोग का फोटो खींच के दे रही थी एंड ये पति पत्नी मजाक मजाक करते करते यहाँ पे मुन्ना दी ऐसे गिरी कि गिरने के साथ साथ उसके पैर पे भयंकर सा क्रैम्प आ गया, मतलब ऐसा आया कि उसका पाँव सूज गया एंड स्वेलिंग आने लग गया था एंड दीदी के आँख से आंसू निकल रहे थे। मैंने मुन्ना दी को बहुत दिनों के बाद देखा है कि ऐसा, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है दर्द से रोते हुए, पेन से रोते हुए। तो हम लोग ने सोचा था कि चलो इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अभी यहाँ पे पिकअप कर लेते हैं, लेकिन दी ने बोला नहीं, अगर मुझे तुम लोग अभी हॉस्पिटल इधर उधर लेके जाओगे तो ये खाना इतना जो बना के हम घर से लेके आए हैं या पिकनिक स्पॉइल हो जाएगा। तो दी ने बोला कि मैं थोड़ा देर देखती हूँ, मुझे कुछ अभी के लिए पेन कम होने के लिए दे दो। तो फिर हम लोग ने फार्मेसी में जाके उनसे पूछ के कैसा हुआ है कुछ टाइम के लिए पेन रिलीफ करने के लिए मेडिसिन स्प्रे एंड वो जो बैंडेड है वो लेके आए थे। तो मुन्ना दी को थोड़ा इम्प्रेस कराने के बाद फिर हम अपना पिकनिक आगे बढ़ा रहे थे। अधिक यहाँ पे सामने वाले भाभी लोग के वहाँ पे पिकनिक में, मतलब दूसरे पार्टी के वहाँ पे पिकनिक में जाके बहुत खेल रहा था, पता नहीं वो अंकल ने इसको कितना बैलून खरीद के दिया, सारा फोर भी दिया ये दोनों ने। एंड उसके बाद वही है, अधिक आके यहाँ पे डायनासोर बन रहा है, हा कर रहा है भगवान मेरा बेटा कब डायनासोर बनने छोड़ेगा, उसको डायनासोर से ऐसा लगाव है ना पता नहीं क्या है। एंड सुनो यहाँ पे अपना मी टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं इधर उधर का एक तो फोटो शूटेज ले रही थी और ज़्यादा कुछ तो था नहीं यहाँ पे करने के लिए, मतलब मुन्ना दी के साथ में मैं बैठी हुई थी तो मैं सामने का व्यू बच्चों लोग का थोड़ा ले रही थी। एंड यहाँ पे देखिए मुन्ना दी दर्द से रोते हुए, मुझे ये वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन मैं, क्योंकि बाद में ना देखने से हम लोग को ये मेमोरी में ही आ जाएगा कि ऐसे ऐसा हुआ था, तो इसलिए मैंने वीडियो लिया। इसमें मुझे गाली मत देना कमेंट में। तो इसके बाद कायरा यहाँ पे अपने सर के ऊपर पे तीन साउंड सिस्टम लगा के सो गई थी, मतलब इतना साउंड था ना, इतना गाना ढींचक वाला बज रहा था और कायरा मस्त सो रही थी। तो अभी नेक्स्ट क्या है कि एंटरटेन तो करना है, तो मैंने मुन्ना दी को बोला मुन्ना दी आप बैठो, मैं आपके लिए टेस्टी सा ऑरेंज वो साथ के, मतलब क्या बोलते हैं वही, नहीं नमक मिर्चा धनिया वनिया दे के वो रेडी करती हूँ। एंड इसको क्योंकि नीचे में मैट थोड़ा टाइट नीचे बैठने के लिए, उसको उसके बम पे दर्द दिया था तो वो मामा के पीठ पे बैठ रहा था, वो बात है ये बहुत ही कंफर्टेबल है मेरा सुनो बेटा। एंड यहाँ पे मैंने एंड प्रीति ने मिल के ये ऑरेंज सारे छिले काट कट कट कूट करके इसको एकदम परफेक्ट बनाया। एंड देखिए बैंडेज लग गया है। एंड फिर भी मुन्ना दी भी बोले थे कि मैं भी ऐसे क्यों बैठूँ, मैं तुम्हारा वीडियो बना देती हूँ। वीडियो बनाया गला काटते हुए, अच्छा गला काटते हुए नहीं, उसने ऑरेंज का वीडियो उठाया था, अच्छा ठीक है। तो वही है दीदी वीडियो बनाई थी एंड फिर वही रेडी हो गया। हम लोग बात करते करते जो जो बना रहे थे वो भी रेडी हो गया था, तो सबको मैं सर्व करी थी यहाँ पे। एंड ना सर्व करने से पहले सबके मुँह में पानी आ गया तो बोलता था जल्दी करो कर पहले थोड़ा जल्दी करो, ऐसा बोल रहे थे। अब ऐसा होता है ना कि आप जिनके साथ हो अगर थोड़ा कॉमेडी हो जाए, मतलब वो थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ कुछ बात करें ना तो मज़ा ही आ जाता है, वरना चुपचाप तो घर में भी हम बैठ ही सकते हैं ना। तो मैं और धीरे धीरे कर रही थी, एक तुम खा के देखो एक तुम खा के देखो ऐसा करके, तब उनको मैं नमक टेस्ट करवा रही थी यहाँ पे। तो वो कहते सब कुछ ठीक है, कुछ चाहिए हो तो ले लेंगे एंड यहाँ पे डालो जल्दी से। तो फिर मैं बाटी जो लगा के बाटी जो है उसको रेडी करके मैं यहाँ पे सबके लिए सर्व कर रही हूँ एंड सब ने बहुत इंजॉय किया एंड ऑब्वियसली तारीफ भी किया है। तारीफ नहीं करते तो फिर मैं उनको नेक्स्ट उसके आगे कुछ बना के खिलाती ही नहीं।
सो नाच गाना करने के बाद सब कुछ कर लेने के बाद अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि पिकनिक स्पॉट का भी एक टाइमिंग होता है। इन लोग ने बोला था कि 5 बजे तक जैसे भी खाली करना है पूरा जगह, तो ऑलरेडी 4 बज गई थी। तो हम लोग ने सोचा कि खाना वाना खा लेते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो थोड़ा देर रहेंगे। तो आज पिकनिक में हम लेके गए थे पुलाव, वेज पुलाव लेके गए थे, चिकन चिली लेके गए थे, एंड फिश का एक आइटम था, एंड मीठी चटनी एक थी, एंड सलाद था, बस इतना ही था, सिंपल था। एंड यहाँ पे देखो दी इतनी मुश्किल से उठ रही है, उसको जीजू हेल्प करके दे रहे, तो खराब भी लग रहा था दी के लिए, लेकिन दी ने भी बहुत सपोर्ट किया हमको उस दिन को कि नहीं नहीं चलो आए हैं तो अच्छे से करके ही जाएंगे। एंड अभी तो मैं ऑब्वियसली पिकनिक के इतने दिन बाद मैं एडिट कर रही हूँ, तो सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बेटर है, चल रही है, लेकिन उनको बेड रेस्ट दिया है 10 डेज़ का, तो रेस्ट करना पड़ेगा उनके पाँव में, जितना रेस्ट होगा उतना ही जल्दी अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती भी हूँ, एंड एक बार अभी तपन के साथ बाइक में एक बार देखना चाहती हूँ कि दीपावली मतलब वो पिकनिक स्पॉट कितना बड़ा है, तो हम लोग एक बार बाइक में घूम के आएंगे पति पत्नी, एंड फिर हम लोग जाएंगे गाड़ी में। तो अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हुए आपको बाय बोलती हूँ, एंड अच्छा सा दिन जाए, सब लोग सेफ रहो, स्पीड गाड़ी मत चलाओ, हेलमेट पहनो, दारू मत पियो ड्राइविंग करते वक्त में, ऐसे भी ज़्यादा दारू मत पियो अच्छा नहीं है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, अच्छे से रहो। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।